बड़ा खुलासा, विकास दुबे से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। के न्यूज में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, बस थोड़ी देर में आपको बताते हैं। विकास दुबे से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, के न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में है विकास दुबे, हल्के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी, सूत्रों के वालों से खबर। कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में है विकास दुबे, हल्के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी है। के न्यूज आपको वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर बता रहा है, विकास दुबे अब खुद को सरेंडर करने की तैयारी में है, सूत्रों के वालों से। सिर्फ के न्यूज पर आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में है विकास दुबे, हल्के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी है। सिर्फ के न्यूज पर आपको विकास दुबे मामले से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं कि विकास दुबे आप खुद को सरेंडर कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो लखनऊ में घर इनका स्थित है, वहां पर जिसका दावा किया है अंजलि दुबे ने कि ये मकान अंजलि दुबे का है और उनके नाम पर है, और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और अंजलि दुबे का हालांकि साफ तौर पर कहना है कि ये घर उनका है, लेकिन एटीए की शुरुआती जांच में ये मकान अवैध बताया जा रहा है। तमाम अधिकारी मौके पर मुआयना कर रहे हैं, इस मकान को गिराने की का काम भी तेजी से जारी है कि इस मकान को बस धराशायी कर दिया जाएगा। कानपुर के घर में जो विकास दुबे का जो कानपुर में घर था उसे भी धराशायी कर दिया गया था। जो साम्राज्य उसने इतने सालों में एक आपराधिक साम्राज्य खड़ा रखा था उसको मिट्टी में लीन कर दिया गया कुछ ही मिनटों में, और अब लखनऊ स्थित आवास की भी को भी धराशायी करने की पूरी तैयारी में है प्रशासन। और अभी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, अब इसकी मकान की नपाई की जा रही है और इसको धराशायी करने का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया। हालांकि जो अंजलि दुबे हैं, डी दुबे जो कि विकास दुबे के भाई हैं, उनकी पत्नी है अंजलि दुबे, उन्होंने मीडिया के सामने आकर रो रो कर गुहार लगाई है कि ये मकान उनका है, उनके नाम पर है, इसे धराशायी ना किया जाए और इनके बच्चों के छत से ना छीनी जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ भरत शेट्टी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भरत, जैसे कि हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि घर की नपाई करनी शुरू हो गई है और घर को धराशायी करने की का जो काम है वो बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। भरत से संपर्क टूट गया है, भरत को फिर से संपर्क करने की कोशिश करें। तब तक आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ आवास स्थित विकास दुबे का जो घर है, विकास दुबे का जो आवास है लखनऊ स्थित, ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नपाई का काम शुरू हो गया है और कुछ ही देर में से धराशायी करने का काम जो है वो जारी है। अब कुछ ही देर में से धराशायी कर दिया जाएगा। हालांकि अंजलि दुबे ने ये दावा किया है कि ये घर उनका है, ये उनकी मेहनत की कमाई का घर है और उनके सर से ये छत ना छीनी जाए, लेकिन इसे कुछ ही देर में धराशायी कर दिया जाएगा। एक आपराधिक साम्राज्य जो विकास दुबे ने इतने सालों में खड़ा किया था उसे मिनटों में मिट्टी में लीन कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ भरत शेट्टी जुड़ चुके हैं। भरत, हम जैसे कि दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तस्वीरें, नपाई शुरू हो गई है और घर को धराशायी करने में काम जो है वो बहुत तेजी से शुरू हो गया।
अब बिल्कुल आपको बता दें कि सुबह से लगातार एलडीए की टीम यहाँ पे आई है, नाप कर रही है पूरी, यहाँ पे पूरी टीमें यहाँ पे सुबह आई थी, लगातार टीम आ रही है और जा रही है, पूरे पेपर को यहाँ से लिखा जा रहा है, हर आस पड़ोस के घरों को भी, मानचित्रों को भी, तो जितने भी उनके पेपर है उनको भी लिया गया है, लगातार ये जल्द से जल्द जो एलडीए है वो उस पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। सुबह से यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है, यहाँ पे पुलिस के सारे अधिकारी भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे, लगातार पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है, लगातार यहाँ पर हो सकता है कि जल्द से जल्द एक बड़ी केन्यूज सबसे पहले बड़ी खबर दिखाएगा, जिसमें ये साफ तौर पर जो मकान की धराशाई की जो कार्रवाई होगी सबसे पहले केन्यूज के दर्शकों को दिखाया जाएगा, और जल्द से जल्द उम्मीद है कि कुछ एक अच्छी खबर मकान जो गिराने की सबसे पहले केन्यूज दिखा सकते दर्शकों को। जी भरत बिल्कुल, जो इतने सालों में एक आपराधिक साम्राज्य विकास दुबे ने खड़ा करके रखा था उसे कुछ ही मिनटों में मिट्टी में लीन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से इसका आपराधिक इतिहास है और कहां कहां से इसका पैसा इस मकान पे लगाया है और मकान में मानचित्र पास है कि नहीं, किस नक्शे के आधार पर ये मकान तैयार किया गया है, अगर कोई भी क्लू लगातार एलडीए जांच रही है अगर मिलता है तो जल्द से जल्द, जैसे कानपुर के मकान पे कार्रवाई की गई है, लखनऊ के मकान पे भी कार्रवाई हो सकती है। भरत, जिस तरीके से अब लपाई भी शुरू हो गई है, क्या अंजलि दुबे अब इनका कुछ कहना है, क्या ये कुछ कह रही है या फिर इनका कुछ इसको लेकर कुछ कहना है? नपाई जो शुरू हुई थी वो विकास दुबे के घर पे और अंजलि दुबे दोनों के घर पे हुई है, अंजलि दुबे का रो रो के बुरा हाल है और अंजलि दुबे साफ कह रही है कि हमारे घर पे कोई भी कार्रवाई ना करे, हमारी मेहनत का पैसा है, हमारा पैसा है, लेकिन ये तो जांच का विषय है, पैसा देने के बाद नक्शा पास करवाया है या नक्शा रियल में पास हुआ है ये एलडीए ही डिसाइड करेगा और उसके बाद ही एलडीए कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल भरत, अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आज में निकल कर क्या कुछ सामने आता है, लेकिन कुछ ही देर में ये तो तय है कि जो साम्राज्य विकास दुबे ने इतने सालों में खड़ा किया था वो कुछ ही देर में मिट्टी में लीन हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए भरत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्रलोक कृष्णा नगर जो लखनऊ स्थित आवास है विकास दुबे का, नपाई होनी शुरू हो गई है और कुछ ही देर में से धराशायी कर दिया जाएगा। के न्यूज आपको सबसे पहले हर पल की खबर देता रहेगा। विकास दुबे से जुड़ी आपको ये खबर बता रहे हैं कि कुछ ही देर में लखनऊ स्थित जो आवास है विकास दुबे का उसे धराशायी कर दिया जाएगा। एडीए के अधिकारी विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं, नपाई का कार्य जारी है और काम बहुत तेजी से हो रहा है। के न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इंद्रलोक कृष्णनगर लखनऊ स्थित आवास है विकास दुबे का, जिसे कुछ ही देर में धराशायी कर दिया जाएगा। एलडीए के अधिकारी विकास दुबे के घर पर मौजूद है और ये के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडीए के अधिकारी विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं, लपाई का काम शुरू हो गया और कुछ ही मिनटों में इस घर को धराशायी कर दिया जाएगा। एडीए के अधिकारी विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं और नपाई का काम शुरू है, कुछ ही देर में इस घर को धराशायी कर दिया जाएगा। इससे पहले कानपुर स्थित जो घर था बिरकू गांव में उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया और तमाम चीजें वहां से बरामद हुई थी और अब इस घर को जो कि लखनऊ में है उसको धराशायी करने की पूरा काम तेजी से चल रहा, बस कुछ ही देर में इसे धराशायी कर दिया जाएगा। एलडीए के अधिकारी विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं इस वक्त। हेलो,
और बता दें कि कुछ ही देर में लखनऊ स्थित जो आवास है विकास दुबे का, उसे धराशायी कर दिया जाएगा। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कानपुर स्थित घर था विकास दुबे का, उसे धराशायी कर दिया गया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ स्थित घर की, जो कि विकास दुबे का लखनऊ स्थित घर है। सूत्रों के हवालों से खबर है कि उसे कुछ ही देर में गिरा दिया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छा खासा साम्राज्य बना रखा था विकास दुबे ने, बहुत संपत्ति बना रखी थी और धीरे धीरे उसे धराशायी किया जा रहा है। पहली तस्वीर में आपको कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर जिसे धराशायी कर किया गया, उसकी जो गाड़ियां थी उन्हें ध्वस्त किया गया, जो ट्रैक्टर खड़े थे उन्हें ध्वस्त किया गया, और उसी जेसीबी से किया गया जो जेसीबी से रास्ता रोका गया था पुलिस कर्मियों का। और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो लखनऊ स्थित आवास है विकास दुबे का, और सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि कुछ ही देर में इसे धराशायी कर दिया जाएगा। LDA के जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। पहली तस्वीर कानपुर के बिकरू गांव की है और पहली तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं वो बिकरू गांव की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जो पुलिस कर्मी है हमारे वो बहुत चौकन्ना होकर बैठे हैं और इनका पूरा घर जो है वो कल ही धराशायी किया गया। बता दें कि तमाम चीजें मिली थी पुलिस को विकास दुबे के घर से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जो बिकरू स्थित घर था, पहली तस्वीर है जो बिकरू स्थित घर है वो, और दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो लखनऊ का है घर। और सूत्रों के बारे से खबर है कि कुछ ही देर में उसे भी धराशायी कर दिया जाएगा। एक जो साम्राज्य बना रखा था विकास दुबे ने, उसे एक एक कर कर अब प्रशासन धराशायी कर रहा है। पहले बिकरू का जो घर था उसे धराशायी किया गया और सूत्रों के हवाले से जो खबर है लखनऊ का घर भी थोड़ी देर में धराशायी कर दिया जाएगा। उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दिया गया है। उसके जो फोन मोबाइल फोन है वो सभी नंबर सर्विलांस पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे को हर तरीके से ढूंढा जा रहा है और साथ ही साथ उसकी जो संपत्ति थी उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। बता दें कि ये कानपुर के चौबेपुर के जो बिकरू गांव है, ये वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो घर धराशायी किया गया। बहुत बड़ा घर बना रखा था उसने बिकरू गांव में भी, और आलीशान जिंदगी जीता था विकास दुबे, और उसी जेसीबी से धराशायी किया गया था इस घर को, जिस जेसीबी से उसने पुलिस कर्मियों का रास्ता रोका था और जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे जिस मुठभेड़ में। भारी पुलिस बल यहां पर मौके पर मौजूद है और लखनऊ में LDA के अधिकारी मौजूद हैं, विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद के न्यूज पर होगा एक बड़ा खुलासा, कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज।